नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहा करता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। एक बार शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो बहुत चिंतित था। और सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के पास गया और घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने का पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वो एक बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा और ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदे नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनजाने में ही सही, शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। हिरनी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पर विश्वास करो और मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं नहीं लौटी तो वो श्राप मुझे लगे जो विश्वासघाती और शिव द्रोही को लगता है। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और वो हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया है। उसे देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदे शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरन ने शिकारी को देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ, मुझे इतना समय दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र ही लौट आऊं। शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया और हिरन जल्द ही वहां से चला गया। अब दोनों हिरन हिरनी अपने घर पर इकट्ठे हुए और एक दूसरे को सारी बात बताई और वो एक दूसरे से बोले कि शिकारी के पास हमें लौट कर जाना है। और वो दोनों अपने बच्चों को धैर्य देकर वहां से जाने लगे। तब हिरनी बोली, शिकारी के पास मैं जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम यहीं रहो और मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा होगा? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों अपने बच्चों को समझाकर शिकारी के पास चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, हम क्या करेंगे? और वो भी उनके साथ शिकारी के पास जा पहुंचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे शिकारी के तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरन और हिरनी ने कहा, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, अब आप हमें मारकर अपने परिवार की भूख मिटा सकते हैं। तब भगवान शंकर की कृपा से शिकारी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार करने के लिए
अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य का जन्म पाकर भी एक हत्यारा बन चुका हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। यह सुनकर शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, इससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये वही गुरु था जिसके साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।